हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्ट गैलरी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज आप सीखने वाले हैं ब्लाउज से माप लेके 38 साइज की फुल कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना ही अच्छा इसका कटोरी का शेप आया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अस्तर को इस तरीके से फैला लेना है और ब्लाउज का माप ले लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम माप लेते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो आप देख सकते हैं इसकी तैयार लेंथ है 14 इंची। तो अस्तर को सबसे पहले नीचे से सीधा कर लेना है आपको। यहाँ पर हम 1 इंची लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का, और अब यहाँ पे हम इसकी तैयार लेंथ की टिक मार्क करेंगे, तो जो है हमारा 14 इंची। अब यहाँ से हम अपना शोल्डर माप लेंगे। तो इसका शोल्डर तैयार है 3 इंची। इसका आर्म होल का भी माप ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें मार्किंग लगा लेनी है। तो शोल्डर अब हमें देखना है कि किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंची पे इसका शेप दूंगी, 3 इंची हमारा शोल्डर और 1 इंची हमारा मार्जिन। तो टोटल होता है हमारा 6 इंचेस। तो हमें 6 इंची लेना है और यहाँ पर हम लेंगे 5.5 इंची का आर्म होल। अब यहाँ पर हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमें देखिए, यहाँ पे पहले चेस्ट की माप ले लेना है। तो चेस्ट है हमारा 38 साइज का। आप इस तरीके से भी चेस्ट को माप सकते हैं, जो कि हमारा आ रहा है 9.5 इंची। और यहाँ पे हमें अपना वेस्ट माप लेना है। तो चेस्ट है हमारा 9.5 इंची, उसमें हम 2 इंची मार्जिन ऐड करके लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 32 का वेस्ट है, तो उसमें हम 8 इंची लेंगे। 8 इंची में प्लस 1 इंची करेंगे टक्स का मार्जिन, प्लस 2 इंची सिलाई मार्जिन, और उसके बाद में हम इस तरीके से सीधी लाइन से मिला देंगे। अब हम अपने आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंची, क्योंकि हमारा बैक पार्ट है। और इस तरीके से इंची टेप को रख के इसका हाफ निकालना है आपको, और यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको 1/2 इंची नीचे डाउन करना है, जिससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे आपको 1/2 इंची नीचे डाउन करते हुए शेप देना है। अब हम अपने गले का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हमें अपने गले की लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने गले का लेंथ माप लेंगे। देखिए, तो ये आ रहा है मेरा 7.5 इंची, मैं यहाँ पे लूँगी। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, जितना आपको चाहिए। तो 7.5 इंची मैं यहाँ पे अपना नेक का लेंथ रख रही हूँ। तो यहाँ पे 2 इंची पर ही मैं शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो 2.5 इंची पर भी दे सकते हैं। ज़्यादा खुला पहनना पसंद करते हैं तो 3 इंची भी ले सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ 2 इंची पर ही शेप दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा गला खुला नहीं चाहिए इसके वजह से, ठीक है। अब हम 1/2 इंची यहाँ पे डाउन करेंगे, क्योंकि हमारा नेक के साइड में हमें थोड़ा सा 1/2 इंची डाउन करना है इस तरीके से, ताकि हमारा शोल्डर ना गिरे। देखिए, अब हम इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने, हम इसे कट करके इसी तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद हम अपने कटोरी की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कैसे किस तरीके से बढ़ाना है। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ऐसे और वीडियो देखने और सीखने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। और अभी हम इसके बाद में पहले कटोरी की कटिंग जो है पेपर पे निकालेंगे कट करके, फिर कपड़े पे रखे कट करेंगे। अगर आपके पास अस्तर का कपड़ा बड़ा है तो हम आप डायरेक्ट अस्तर पर भी कटिंग कर सकते हैं, बट अगर आपके पास 1 मीटर का ही कपड़ा है तो पहले आप पेपर पे कट कर लेना, उसके बाद ही कपड़े पे कट करना, क्योंकि हमें बढ़ाना होता है ना, इसके वजह से आपका फिर ज़्यादा कपड़ा लगता है। अगर आपका अस्तर 1.5 मीटर का है तो आप यूज़ कर सकते हैं इसे। मैं यहाँ पर अभी पेपर पर पहले कट करके लूँगी, उसके बाद में उसे कपड़े पर रख के कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पेपर को ले लिया है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे की तरफ से 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए। यहाँ से देखिए, हम 1 इंची
एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब अपने बैक पार्ट को रख के एज इट इज जैसा आपका बैक पार्ट है हमें निशान ले लेना है उसका, देखिए इस तरीके से। और अब हम अपने बैक पार्ट का नेक कट कर देंगे और इसका टक्स का मार्किंग ले लेंगे, देखिए इस तरीके से टक्स की निशान ले लेना है हमको। मार्जिन को छोड़ते हुए फोल्ड करना है और जो भी हमारा मिडल आएगा वो हमारा टक्स लाइन होगा। अब यहाँ पे मैंने नेक कट करके साइड में कर दिया है। अब हम अपने कटोरी की मार्किंग करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हमें अपना आर्म होल सीधा कर लेना है और इसे हाफ इंच डाउन कर देना है क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट पे हमारे आर्म होल का जो शेप होता है वो एक इंची पे होता है, इस तरीके से। अब हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक का लेंथ हमें यहाँ पे ले लेना है, जो हमारा लेंथ है देखिए यहाँ पर हमारा तैयार लेंथ है 6 इंची का, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6.5 इंची, इस तरीके से। यहाँ पर भी मैं 2 इंची पर ही शेप दूंगी और हमें इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। अब हमें यहाँ से बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए जो हमने 1 इंची मार्जिन छोड़ा है उसे छोड़ते हुए ऊपर की लाइन से हमें 2 इंची ऊपर एक निशान लगानी है और सीधी लाइन खींचनी है, देखिए इस तरीके से। 2-2 इंची हमें लेना है और सीधी लाइन खींचना है, तो नीचे हमारा टोटल 3 इंच का हो जाएगा जो 1 इंची हमने मार्जिन लिया। अब यहाँ से 1 इंची ऊपर आपको लेना है, यहाँ से 1/2 इंची, और इस तरीके से आपको शेप देना है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें शेप दे देना है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारा 8 इंची, उसमें 2 इंची हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे। 1 इंची हमारा निकल जाएगा जो हमने पीछे टक्स के लिए दिया था, आगे हमारा टक्स नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें मार्क कर लिया है। अब क्या करना है, देखो कटोरी के लिए यहाँ से इसका हमें तीसरा हिस्सा निकालना है, इस तरीके से मेजरमेंट को घुमाते हुए, और इस तरीके से हमें कटोरी के लिए मार्किंग ले लेनी है, देखिए। अब ऊपर से हमें लेना है 5 इंची और इस तरीके से हमें मिला देना है। तो ये हमारा कटोरी का शेप रेडी हो गया है। अब इसे हम दूसरे पेपर पर बढ़ा के लेंगे और बेल्ट में हमें कुछ नहीं करना है, एच पार्ट में कुछ नहीं करना है, बेल्ट में खाली हमें आगे का हुकाई पट्टी का 1/2 इंची बढ़ाना है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। बाकी एच पार्ट में कोई चेंजेस नहीं करने। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंची आपको आगे की साइड हुकाई पट्टी का लेना है, प्लस 8 इंची प्लस 2 इंची हमारा सिलाई का मार्जिन। अब जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम अपने कटोरी को बढ़ाएंगे दूसरे पेपर पे। तो पहले आपको कटोरी को एज इट इज मार्क कर लेना है, जैसी आपकी कटोरी है इस तरीके से। अब यहाँ से हम 1/2 इंची सिलाई मार्जिन लेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब इन दोनों का मिडल निकालेंगे हम सबसे पहले, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और दोनों साइड जो है हमारा 1.5-1.5 इंची का टक्स आएगा। इस साइड हम 1 इंची लेंगे, उस साइड हम 1.5 इंची लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी 1/2 इंची बढ़ाया है, देखिए इस तरीके से। यहाँ पे 1 इंची लेना है, इस साइड हमें 1.5 इंची लेना है। अब इस तरीके से हमें मिला देनी है। अब उस साइड हमें शेप कैसे देना है, देखिए कटोरी का जो हमने पार्ट काट के रखा है उसको इस तरीके से लेना है और आपको कटोरी का शेप देना है। तो इससे जो हमारी शेप है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाती है। और उधर पे हमें 1/2 इंची बढ़ा लेनी है और उस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो ये हमारा परफेक्ट कटोरी रेडी हो गया है। अब इन दोनों का मिडल निकालेंगे, यहाँ से 1.5 इंची हम डाउन करेंगे सीधी लाइन और इसको इस तरीके से मिला देंगे हम। तो ये यहाँ पे अब हमारी कटोरी रेडी हो चुकी है और इसे हम कट करके निकाल लेंगे। अब इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, इसे डायरेक्टली हम इसी तरीके से कट करके निकालेंगे कपड़े के ऊपर। जो भी एक्स्ट्रा बढ़ाना था हमने बढ़ा लिया है। तो यहाँ पे हमारे सारे पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। बैक पार्ट हमने पहले ही कट कर लिया था, तो अब बाकी का जो हमारा पार्ट है उसको हम कट करके निकालेंगे। तो आपको इस तरीके से एच पार्ट को, कटोरी के पार्ट को और आपका बेल्ट और स्लीव्स जो भी है सब
देखना है किस तरीके से अस्तर पे बैठेगा, तो उस तरीके से बिठा के आपको रख के कटिंग करना है। तो मैंने इस तरीके से रखा है और यहाँ पे मैं इसका निशान लगा ले रही हूँ। जो आगे की तरफ एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उसमें मैं अपना स्लीव्स निकालूंगी। तो इस तरीके से आपको सारे पार्ट्स को रखना है और उस पर निशान बना लेनी है, देखिए इस तरीके से, और कट करके निकाल लेना है। यहाँ पे मैं सारे पार्ट को कट करके निकाल लूंगी इस तरीके से। बचे हुए पार्ट में हमें अपने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखिए जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उसे मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूंगी। तो स्लीव्स की जो कटिंग होती है हमारी फोर फोल्ड में होती है। तो यहाँ पर हमें अपने स्लीव्स का माप ले लेना है, जो भी आपका तैयार लेंथ हो उतना ले लेना। इसका हमें फिटिंग ले लेना है इस तरीके से, देखिए। अब यहाँ पे जो भी आपका लेंथ आएगा उसमें हमें प्लस 1 इंची करके लेना है सिलाई का मार्जिन। यहाँ पे मैंने 6.5 इंची ले लिया है अपना लेंथ, तो 6.5 इंची पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे जो भी आपका फिटिंग है उसमें प्लस 2 इंची करके हमें टिक मार्क करना है, फिटिंग +2 इंची हमारा सिलाई का मार्जिन। अब यहाँ से हम 2.5 इंची नीचे डाउन आएंगे, तो 2.5 इंची पे हमें एक मार्किंग करनी है और इस तरीके से सीधा लाइन खींच लेना है, देखिए इस तरीके से। अब इंची टेप को इस तरीके से हमें क्रॉस में रखते हुए वहाँ पे हमारा जो भी चेस्ट है उतना मार्क कर लेना है +2 इंची सिलाई मार्जिन का, और इस तरीके से हमें शेप दे देना है। देखिए कितना सिंपल इजी तरीके से हमारी स्लीव्स का शेप हो गया है, और अब इसे हम कटिंग करके निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें कट करके निकाल लेना है, और इसका जो 1/2 इंची हम खड्डा देते हैं वो हम सिलते टाइम देंगे। अब मेन फैब्रिक पे हमें सारे भी पीसेस को कट करके निकाल लेना है। सारे पीस को आपको रख के एक बार देख लेना है आपके कपड़े किस तरीके से एडजस्ट हो रहे हैं, और उसे कट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कट करके निकाल लिया है, देख सकते हैं ये हमारा बेल्ट है, स्लीव्स है, और कटोरी को मैंने इस तरीके से चिपका लिया है। आप चाहें तो इसको सिलाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने नेक को सिर्फ नेक ही चिपकाया है, मैंने पूरा पार्ट नहीं चिपकाया है, सिर्फ गले को चिपकाया है, क्योंकि हम इसे पलट कर सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंची पर सिलाई लगा लूंगी। आप चाहें तो पहले निशान लगा लें फिर सिलाई लगाएं, अगर कंफर्टेबल है तो डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से। अब हमें छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं ताकि हमारा कपड़ा जो है इजीली पलटी हो जाए। कपड़े को हमें राइट साइड में रख के सिलाई लगा के पलटी करना है, तो ऊपर की साइड हमारा सीधा साइड आ जाएगा। अब ऊपर से हमें एक दाब सिलाई दे देनी है, देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं सिलाई कर रही हूँ अगर आप उसे ही फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी इस तरीके से सिलाई जो है फास्ट होती है। अब देखिए इसे हम साइड का चिपका करके साइड में रख देंगे, तो मैंने रख दिया है। सेम इसी तरीके से हमें अपने स्लीव्स को भी पलट लेना है, जिस तरीके से मैंने नेक को पलटी किया है सीधे साइड में स्लीव्स को रखना है, और इस तरीके से रख के हमें सिलाई लगानी है, फिर अस्तर को पलट के इस तरीके से एक दाब सिलाई देनी है, और फिर एक फाइनल सिलाई, देखिए इस तरीके से पलट करके हमें सिलाई लगा लेना है। जिस तरीके से जो जो मैं सिलते जा रही हूँ अगर वही फॉलो करते हो तो आपकी सिलाई बहुत ही फास्ट होने वाली है। अब मैंने बैक पार्ट को पलट करके रख दिया, वो सूखते रहेगा जब तक हम आगे का करेंगे। स्लीव्स भी मैंने पलट कर सिल दिया, अब इसे भी मैं चिपका के साइड में रख दे रही हूँ। जब तक वो सूखेगा तब तक मैं अपनी कटोरी रेडी कर लूंगी। अब यहाँ पर हम कटोरी का जो है टक्स मार्क करेंगे, तो इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। 1/2 इंची सिलाई का हमें छोड़ना है, और जो हमारी तैयार कटोरी है 6 इंची जितनी हमारी आई थी उसको हाफ करके इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हमें 3 इंची का टक्स देना है। अब इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है अपने टक्स के ऊपर, देखिए आपको डबल डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि आपकी सिलाई पक्की हो जाए। अब यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस में कपड़े को कट करके एक और सिलाई उसके ऊपर लगा देंगे ताकि कपड़ा खुले नहीं। आपको ये कट करके सिलाई लगा लेनी है ताकि बेल्ट अटैच करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। उसी तरीके से हम अपने सेकेंड वाले कटोरी में भी टक्स लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से मैंने लगा ली है। अब हम इसमें अपना एच पार्ट ज्वाइन करेंगे,
देखिए इस तरीके से आपको कभी भी एज पार्ट में जब हम अपनी कटोरी को अटैच करते हैं तो नेक के साइड से ही अटैच करना है, ताकि अगर नीचे की साइड कुछ कम ज्यादा हो तो आप उसे छांट के बस सही कर सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी नेक के पास से ही आपको कटोरी को एडजस्ट कर स्टिच करना है, नीचे के साइड से नहीं। आप देखिए इस तरीके से दोनों में से भी एक भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, दोनों कपड़ों को लूज रखना है और इस तरीके से हाफ इंची पे सिलाई लगानी है। मैं थोड़ा स्पीड में बता रही हूँ ताकि आप वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए और आप बोर ना हो जाओ। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। अब इस तरीके से सिलाई को मैं डबल कर ले रही हूँ। ध्यान रखना आपको सभी सिलाई को डबल करके लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है उसे मैं इस तरीके से कट करके निकाल दूंगी, इसलिए कभी भी आपको नेक के साइड से ही करना है। दूसरा साइड भी मैंने सिलाई लगा के रख दिया है। अब स्लीव्स जैसे हमने पलटी किया था सेम उसी तरीके से हमें बेल्ट को भी पलट करके सिल के लेना है, जैसे हमने अपने स्लीव्स को और नेक को सिलाई करके पलटी किया था सेम उसी तरीके से बेल्ट को भी करना है। अब यहाँ पर हम अपना बेल्ट अटैच करेंगे। देखो बेल्ट को इस तरीके से आपको रखना है जिस तरीके से मैंने रखा, और आपको हाफ इंची सिलाई लगानी। अस्तर का कपड़ा ऊपर छोड़ देना है, सिर्फ जो मेन फैब्रिक है उस कपड़े को ही पकड़ते हुए हमें हाफ इंची पर लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हाफ इंची, और ये जो सिलाई है वो हमें इस साइड में रखना है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। देखिए हमारा जो बेल्ट है वो एकदम बराबर है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें आना है और इन दोनों के बीच में उस कपड़े को रख के अब अस्तर के साइड से हमें हाफ इंची पर सिलाई लगानी है। ध्यान आपको ये रखना है कि जो बीच में हमने कपड़ा अंदर फोल्ड किया है वो कपड़ा हमारा सिलाई में ना दबे, नहीं तो फिर वो खींचेगा, बाहर की साइड कपड़ा नहीं निकल के आएगा। अब हम अपने कपड़े को बाहर की साइड निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ पर हमारे बेल्ट की कितनी अच्छे से सिलाई लग के हो गई है, बाहर से उसकी सिलाई भी नहीं दिखेगी। अब दूसरे भी बेल्ट को हमें इस तरीके से ही अटैच कर लेना है जैसे हमने किया। देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसे भी पलटा करके सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों भी हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने इसका बटन पट्टी कास्ट पट्टी बना लिया है। आपको आई होप कि ये बनाना आता ही होगा, नहीं आता है तो आप मेरी दूसरी और वीडियोस देख सकते हैं। और इस स्टेज पे आपको अगर गला कम ज़्यादा लगता है तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं आप, उसके बाद आपको पाइपिंग लगानी है। तो कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरीके से हाफ इंची पे सिलाई करना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के निकाल देना है और इस तरीके से पलटाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं जिसमें ये सब मैंने अच्छे से डिटेल में लगाते हुए बनाते हुए इसकी स्टिचिंग दिखाई है, तो आप मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड में बता रही हूँ। पाइपिंग वगैरह तो नॉर्मली सबको आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप मेरी और वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी पाइपिंग लगा ली है, आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा फिनिशिंग आया है इसका। तो इसी तरीके से दूसरे साइड में भी आपको पाइपिंग बना लेना है। यहाँ पे मैंने बना ली है, आप देख सकते हैं सब कुछ मेरा एकदम बराबर आया, कुछ कम ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर अपने बैक पार्ट को रेडी करना है। तो सबसे पहले हम अपने टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो जो हमने टक्स पे निशान लगाया था यहाँ पर हम अपने टक्स की स्टिचिंग कर लेंगे हाफ इंची पर। देखिए इस तरीके से दोनों साइड में। अब यहाँ पर कपड़े को कभी भी हाफ इंची एक्स्ट्रा लेते हुए ही आपको कट करना है, ताकि हम डायरेक्ट फोल्ड कर सके, अलग से पट्टी ना अटैच करना पड़े। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले उसे फोल्ड करना है और फिर हाफ इंची और अंदर की तरफ। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसका शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। अब इसका स्लीव्स लेंगे हम। अब यहाँ पर हम इसका हाफ इंची कट करके निकालेंगे। पहले से कट करते हैं तो जब हम सिलाई करते हैं कपड़े को स्लीव्स को और अस्तर की, तो उसमें कभी कभी एक साइड ही दोनों कपड़ा सिल जाता है तो दिक्कत होती है, इसलिए सिलते टाइम ही इसे कट करके निकालना है आपको।
अब स्लीव्स को हम अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स को कभी भी आपको बीच से ही अटैच करना है, तो जो भी एक्स्ट्रा रहेगा आपका वो दोनों साइड बाहर चला जाएगा, इसलिए सेंटर से ही आपको कट करके स्टिच करना है आपको। देखिए यहाँ पे अब मैं इस तरीके से कपड़े को बराबर करके जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके निकाल दूंगी। अब हम इसकी फाइनल फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बैक, अरे अपना जो बैक पार्ट है उसको इस तरीके से फोल्ड करना है और अपना जो भी फिटिंग है यहाँ पर टिक मार्क कर लेना है। सेम इसी तरीके से आपको स्लीव्स को भी फोल्ड करना है इस तरीके से, और जो आपकी स्लीव्स की फिटिंग है वहाँ पर टिक मार्क करना है, और दोनों भी पॉइंट को पकड़ते हुए सीधी लाइन हमें मिला के सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं, या फिर पहले आप स्केल की हेल्प से सीधी लाइन खींच के तब भी सिलाई लगा सकते हैं। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिल लेना है और एक्स्ट्रा दो तीन सिलाई लगानी है। नीचे की साइड से फोल्ड करके मैंने स्टिच कर दिया है ताकि जब हम पहने तो बाहर कपड़ा ना आए। थैंक यू।